आज मैं शेयर कर रही हूँ कानपुर की मशहूर बीफ बिरयानी रेसिपी। इस बिरयानी का जायका और बिरयानी से थोड़ा अलग लेकिन बहुत मजेदार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। 2.5 सर्विंग स्पून तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है। तेल गरम होने के बाद डाल देंगे 2 बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई। बिरयानी में ऑयल थोड़ा ज्यादा यूज होता है, लेकिन अगर आपको कम ऑयली बिरयानी पसंद है तो तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, इसको ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। प्याज गुलाबी हो चुकी है, लो फ्लेम करने के बाद हम प्याज को साइड से करते हुए निकाल लेंगे। इसको हम फैला देंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, और थोड़ी सी प्याज मैं इसी में छोड़ दूंगी। और इसी प्याज में हम डालेंगे साबुत मसाले, आधा छोटा चम्मच जीरा, 5 से 6 लौंग, आधा टीस्पून काली मिर्च, एक बड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 तेजपात, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आए। और अब इसमें हम डालेंगे 700 ग्राम बड़े का गोश्त साफ धुला हुआ। गोश्त को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त को हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक और नमक के साथ। एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और टेस्ट के हिसाब से नमक। हाई फ्लेम करेंगे और गोश्त को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, इससे इसकी स्मेल पूरी तरह से निकल जाएगी। तो गोश्त को मैंने 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। ये बिरयानी वैसे तो स्पाइसी बनाई जाती है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच पीली मिर्च, ये बहुत स्पाइसी होती है। इसमें जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, एक बड़े साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला लिया है। इसमें से हम आधा इसमें डाल देंगे और आधा हम बाद में यूज करेंगे। और साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा बाउल फिटा हुआ दही। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 कप पानी। कुकर को हम बंद करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको 2 विसिल लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 विसिल लगाएंगे, या आप इसको तब तक विसिल लगा सकते हैं जब तक कि गोश्त गल ना जाए। यहाँ पर मैंने दूसरे चूल्हे पर चावल को चढ़ाया हुआ है और 700 ग्राम सेलराइज ली थी, उसको मैंने साफ धोकर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, 2 या 3 हरी मिर्च, 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग, ये मसाले डालकर उबलने के लिए रखा हुआ है। और चावल को आप 80% तक यहाँ पर गला लें, क्योंकि इसको हम लेयरिंग करेंगे तो ये दम आने में भी गल जाएंगे। और जब ये 80% गल जाएंगे, हम इसको छान कर इसका पानी अलग कर देंगे। गोश्त को प्रेशर लगाकर और गलाकर मैंने अलग रख लिया है। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। इसको हम बाद में यूज करेंगे, जब हम बिरयानी को लेयर करेंगे तब इसको हम ऊपर से यूज करेंगे। और इसी ऑयल में हम मिक्स कर देंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा जेल। इसको अभी हम साइड पे रखेंगे। और यहाँ पर मैंने चावल का पानी निकाल कर अलग रख लिया है, तो थोड़े से चावल मैंने इसमें पहले ही फैला के रखे हुए हैं और थोड़े से हम इसके ऊपर बाद में यूज करेंगे। तो अभी हम गोश्त वाली ग्रेवी इसके ऊपर डालेंगे। इसको हम चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे। अब इसके ऊपर लेयर करेंगे हम बचे हुए चावल। इसको हम हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे। और चावल के लिए आप जितना खुला बर्तन यूज करेंगे बिरयानी उतनी अच्छी दम आएगी, चावल को पूरी जगह मिलती है फूलने के लिए। इसके ऊपर अब हम डालेंगे चाट मसाला और बिरयानी मसाला जो हमने पहले बचा लिया था, वो इसमें हम ऐसे चारों तरफ स्प्रिंकल कर देंगे। इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, ये मैं फ्लेवर के लिए यूज कर रही हूँ। और इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ। इसमें जाएगी फ्राई की हुई प्याज जो हमने पहले निकाल के रखी थी। फ्लेम को भी मैंने एकदम लो किया हुआ है। और इसके ऊपर हम डालेंगे जर्दे का कलर, तो मैं इसको सूखा ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको केवड़ा जल में घोल के भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे बचा हुआ तेल जो हमने ग्रेवी में से निकाला था। कवर करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और उसके बाद एकदम लो फ्लेम पर हम इसको दम करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल अच्छे से सेट हो जाए। दम आने के बाद अब हम बिरयानी को चेक करेंगे, तो देखिए कितनी जबरदस्त ये दम आ चुकी है। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें ग्रेवी ऐड की थी वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी खिली खिली और कितनी जबरदस्त ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। देखिए एक एक दाना इसका खिला हुआ है और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मजेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।